जम्मू कश्मीर में रियासी में वैष्णो देवी यात्रियों से भरी बस पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रंग महल चौराहे पर आतंकवादियों का पुतला जलाया। जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकी हमले के विरोध में आज देश के सभी जिला केंद्रों पर बजरंग दल ने आतंकवादियों का पुतला दहन किया। भोपाल में बजरंग दल के प्रमुख सुधीर सुडेले ने बताया कि मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद शिव कौड़ी की तरफ जा रहे यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ। ऐसे आतंकवादियों को केंद्र सरकार चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली थी, लेकिन वहां की खुशी को भंग करने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। जम्मू कश्मीर में 9 जून को नियते तीर्थ यात्रियों पर, जो तीर्थ यात्री माँ जगदम्बा के दर्शन करके शिव खोड़ी की तरफ जा रहे थे, शिव खोड़ी के निकट में उन नपुंसक पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादियों ने ऐसे निहत्ते बूढ़े बच्चे जवान ड्राइवरों पर हमला किया, उनको अंधाधुंध गोलियां मार करके उनकी हत्या की। मैं आज यहाँ यह मांग करता हूँ कि ऐसे आतंकवादी पोषण करने वाले इस देश में छुपे हुए बैठे हुए गद्दारों को केंद्र सरकार चिन्हित करे। जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आप देखिए वहाँ टारगेट किलिंग की गई है, केवल हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। उनकी गोली का निशाना केवल और केवल हिंदू थे, हिंदुओं को निशाना बनाया, ऐसे समय में निशाना बनाया जब केंद्र के अंदर नई सरकार का गठन हो रहा। वहाँ धारा 370 हट गई, वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली थी, वहाँ के वातावरण को दूषित करने के लिए एक कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। आज संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल जिला केंद्रों पर कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम जी के नाम एक ज्ञापन दे रहा है और एक कार्रवाई की मांग करता है कि ऐसे सांपों को केंद्र सरकार उनके फन को कुचले और बैठे हुए इस देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों का भी चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करे। ये बजरंग दल की मांग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।